वहीं आपको बता दें कि रीवा के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह कटनी पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम शिवराज ने सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां पर कटनी को स्वास्थ्य और सुरक्षित करने का संकल्प लिया, तो वहीं उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जो है बुलडोजर कार्यवाही की भी बात कही। को दोनों हाथ जोड़ के कटनी से पूरे मध्य प्रदेश की धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कटनी में उस दिन विस्तार से मैंने अपनी बात रखी थी। मैं केवल 2-3 मिनट कटनी की बात करूंगा और फिर प्रदेश की चर्चा भी करूंगा। कटनी में जो विकास हुआ है, आज कटनी का जो स्वरूप जनता जनार्दन को दिखाई दे रहा है, आप गवाह है। वो विकास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। अगर विकास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बताओ, कांग्रेस ने कभी विकास के लिए इतना पैसा दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? कांग्रेस ने विकास को 15 महीने में विनाश में बदल दिया था। आज हमारी उम्मीदवार बहन ज्योति दीक्षित जी और हमारे पार्षद के भी सभी उम्मीदवार यहाँ हैं, पूरे प्रदेश के भी हमारे मेयर के उम्मीदवारगण और पार्षद के हमारे उम्मीदवारगण आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आज मैं कटनी वालों और पूरे प्रदेश के सभी नगरी निकायों में आपको ये वचन देता हूँ, मध्य प्रदेश के शहरों को हमने काफी आगे बढ़ाया है। इंदौर स्वच्छतम शहर है हिंदुस्तान का। अर्बन डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश आज देश में नंबर 1 के स्थान पर खड़ा है। मेरी कटनी वासियों से भी अपील है, कटनी कस्बे से नगर बना है, अब महानगर बनने की दिशा में जा रहा है। और आज मैं कह रहा हूं, इधर अध्यक्ष जी जो यहाँ के सांसद वो भी बैठे, 10 साल में कटनी इंदौर और भोपाल से मुकाबला करेगा बिजनेस, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। क्योंकि चाहे यहाँ बस, चाहे यहाँ एयरपोर्ट का सवाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, वो काम गिनाने की जरूरत मुझे नहीं है। सबकी योजना हमने बनाई है। मुझे कटनी के बहनों भाइयों से तो अपील है कि कटनी में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षदों को जिताए। लेकिन हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सचमुच में अद्भुत नेता है। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है, वरदान। मोदी जी के नेतृत्व में एक बार मोदी जी के जोरदार ताजिए बजा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है, केवल अपने देश में नहीं, दुनिया में आज मोदी 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 के नारों का उद्घोष होता है। और मोदी जी का जो नगरों के लिए मंत्र है, उनका पहला मंत्र है हर नगर राज्य के विकास का चेहरा बने। उनका दूसरा मंत्र है यहाँ जीना, जीवन जीना सभी के लिए आसान हो। तीसरा मंत्र है हर नगर वासी को बेहतर से बेहतर जीवन की गुणवत्ता मिले। उनका चौथा मंत्र है शहर के आकार भले ही बढ़ जाएं, लेकिन असमानताएं नहीं बढ़नी चाहिए। और उनका पांचवा मंत्र है शहर ऐसा हो कि वहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इसके लिए हमने जो रोड मैप बनाया है मध्य प्रदेश ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके मामा शिवराज ने जो रोड मैप बनाया है, मैं वो आज पूरे प्रदेश को बता रहा हूँ। मेरे प्रदेश के सभी बहनों और भाइयों, ऐसे शहर जो अपने आप में संपूर्ण हो और विकसित हो, संपूर्ण हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो, ये हमारा संकल्प है। अब बहुत कम समय में इसमें से एक एक बात की मैं व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। स्वच्छता का मतलब आप जानते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। सफाई का, सुंदरता का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन सुरक्षित के मामले में आज मैं पूरे प्रदेश के नगरवासियों को यह कहना चाहूंगा, सुरक्षित का मतलब
या आधी रात के बाद भी कोई बहन बिना किसी डर के सड़कों पर घूम सके। और एक संकल्प हमारा, ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहाँ किसी ने अगर गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। गुंडे, बदमाश, दादा, माफिया, उनको एक तरफ से हमने ठिकाने लगाया है। और अपनी बहनों से बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी ने गलत नजर से किसी बहन और बेटी को देखा तो मामा का बुलडोजर चलेगा और उसको साफ और तबाह कर देगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।